उसका भी हैंडल उप पंचायती चुनाव का विजय बन चुका है। आपका शंकर प्रसाद भी आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो सही बात ये बात जो कहें सही बात है, जैसा कोल्डी सर निकला है, अहाँ जैसे कोल्डी 75,000 के साथ निकला तो वहाँ 20,000 रुपया सर कौन लेगा? 20,000 जैसे अरुण अनाम भरना पड़ेगा। अरुण सिंह जैसे हो गया, जैसे ठीका हो गया, गरीब का पैसा मिला तो 75,000 मिला तो 20,000 उसको उचित हो गया सर। कौन 20,000 था? अरुण सिंह। अरुण सिंह यहाँ घर है बलग में सर, क्या जी का दलाल है हमारा तोरा जो फूट नल है मुखिए हमें बीचे बीचे नली बना दे थी आँ जहाँ सोच समझ के ना नली बनत है। आ देखिए कि के साल एक 20-25 साल से जो नली बना हुआ है खाली उराही हो रहा है सर। आ पैसा का हो रहा है, 5 गो लेबर उराही करता है, अब 100-200 के लेबर के साथ वहाँ जाकर पैसा निकल रहा है। अरे धांधली हुआ है। तो सर बताइए कि कितना है कौन? आज खुद कौन मुखिया सरपंच कह देवे कि हम सही फैसला किए हैं, तोरो लड़वा ले ओकरो लड़वा ले सर बताइए। और लोग हैं जिनसे हम बात करें, इधर यहीं के रहने वाली हैं, रुक जाइएगा। और बात लोगों 20,000 रुपया अपने को भी इंदास मिला है, 50,000 मिला तो वही घर में मिला। आपसे भी मिला 20,000 के लिया है? अरुण सिंह। तो अरुण सिंह है कौन? बाभन है। था बाभन है मुखिया जी के दलाल, रंगदारी चला है इनका। मुखिया जी के हथी ना, अब हम ना जाने मुखिया जी हथी तो रंगदारी चला है ना। अब हम का जाने के लिए बुआ सबसे लल थी ना, बुआ हमरे से ना ललन है, बुआ सबसे ललन है सब से। यानी साफ तौर से कह सकते हैं कि अरब पंचायत में कितना भ्रष्टाचार है। महिलाएं खुद कह रही है कि इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 रुपये ली जाती है। अच्छा शौचालय में लवा है? हाँ शौचालय में पैसा लगा। हाँ वहाँ में ललन है 2,000 की 4,000 2,500। मुख्यमंत्री जी जरा गौर से सुनिएगा ये इस स्थान को, जो मैं अभी अरब पंचायत में हूँ जहाँ की जनता महिलाएं कह रही है कि इंदिरा आवास में 20,000 तो शौचालय में 25,000 यानी 2,500 रुपया लिया जाता है। यानी मुख्यमंत्री का ये था योजना कि हर घर में शौचालय हो, स्वच्छ भारत बनाए। लेकिन क्या स्वच्छ भारत बनेगा? 12,000 रुपया में 2,500 रुपया यहाँ कमीशन के तौर से मिल जाता है। और दूसरी बात, अगर बात की जाए इंदिरा आवास के पैसा में तो उसमें भी 20,000 रुपया ले लिया जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ये जो अरब पंचायत में भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय नीरज, मैं नीरज आपको लेकर आया हूँ अरब पंचायत में, और हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी शंकर पासवान जी बने हुए हैं। हम बात करेंगे किस एजेंडा के साथ इस बार शंकर पासवान जी उतरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। मैं आपका स्वागत है। किस एजेंडा के साथ इस बार आप अपने अरब पंचायत में उतरे हैं, क्या एजेंडा रहेगा आपका? सबसे बड़ी एजेंडा है कि यहाँ 4-4 विद्यालय पूर्ण रूप से, जो भी शिक्षा के मामले में हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य यहाँ जो है बहुत ज़्यादा से कि जर्जर अवस्था में है स्वास्थ्य व्यवस्था। 3-3 MBBS डॉक्टर यहाँ नियुक्त हैं बट आते नहीं हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार 2 टर्म से हैं, उनके तहत से किसी भी जन सहयोग यदि जन आंदोलन का काम या मानी जनता के लिए कोई सही धरातल पर कोई काम नहीं किया गया। आज पूरी तरह से जितना भी विकास की राशि है धरातल पर पूरी तरह से एक भी नहीं है और बंदर बांट किया गया है राशि। इनके दर्जनों ऐसा माने कहती है योजना जो एकदम धरातल पर है ही नहीं और राशि निकासी की गई है। बात करिए 5 साल के विकास की, तो आपकी पंचायत में विकास कितना हुआ है 5 साल में? 5 साल में विकास तो हम देख रहे हैं शून्य है। 5 साल में विकास शून्य है तो बताए कि 2-2, 3-3 चबूतरा का दिया, जहाँ एक सिंगल नाश भी नहीं हुआ है। बगल का कहारी क्लब में चबूतरा का दिया गया है, उसका भी राशि निकासी हुआ है लेकिन वहाँ एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया है। जहाँ कोई नाली उड़ाही भी नहीं हुआ है वहाँ नाली उड़ाही और मरम्मती का पैसा निकाला गया है। हमारे पंचायत में एक सामुदायिक भवन है उसके नाम पे 3,10,064 रुपया निकासी कर लिया गया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया गया, उसको छुआ तक नहीं गया है। जिस सामुदायिक भवन में मदरसा चलता है वहाँ पढ़ने से बच्चा बंद कर दिया है, मुस्लिम लोग का बच्चा पढ़ता था वो बंद कर दिया जर्जर अवस्था में, उसके नाम पर राशि निकासी नहीं होती है।
इस तरह से पूरी तरह से लूट मार मचा हुआ है यहाँ जनप्रतिनिधि के बारे में। तो आप जीतिएगा तो पंचायत के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल हम जीतेंगे, जब जनता हमको मौका देगी तो भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से लगाम लगा। ये जो यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा 35,000 रुपये इंदिरा आवास शौचालय तमाम तरह के सभी योजनाओं में जो लूट मचा हुआ है इस पर पूर्ण पाबंदी लगाएंगे। जो भी योजना है वो धरातल पे पूरी पारदर्शिता के साथ हम लागू करेंगे। बात की जाए सात निश्चय योजना में कितना विकास हुआ है? हमारे यहाँ सात निश्चय योजना में कोई भी नहीं, कहीं पर भी किसी वार्ड में पूर्ण रूप से सही काम नहीं हुआ है। कुछ कुछ वार्ड में तो भवन ही नहीं बने हैं, कुछ में काम चले हैं तो ऐसी माने डीसीपीटी की तरह। और एक अभी उनका जिसमें जनप्रतिनिधि हैं उनके वार्ड में सेंटेक्स चढ़ा, भवन बनी, बाकी सब में तो अभी काम चल रहा है अधूरा, और दो चार गो में तो भवन का नींव ही नहीं पड़ा। नल जल में पूरी तरह से लूट है। बात की जाए बंडर वार्ड की, तो बिहार में सात निश्चय योजना पर बंडर वार्ड हुआ था, क्या कहेंगे आप मुखिया प्रत्याशी में आप भावी उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? आपका भी क्षेत्र में ऐसा हुआ है क्या? मेरे क्षेत्र में क्या, मेरे पंचायत में हुआ है। मेरे पंचायत में पूरी तरह से नल जल योजना ध्वस्त, कहीं भी सुचारू रूप से नहीं है। आप बगल का देख लीजिए, नल जल यहाँ नल लगा हुआ है, कितना हो चलेगा लेकिन वो माने एकदम छुल छुल की तरह, पानी भी नहीं उस तरह से पूरी तरह। और पूरी नहीं, जितने भी आरक्षित वर्ग के भी लोग जो वार्ड मेंबर थे उनकी भी योजना को मुखिया जी जबरदस्ती अपने कब्जा में लेके अपने तरफ से वो काम कराए और पूरी तरह से। यहाँ के मुखिया हैं अजीत कुमार सिंह। मैं अभी अराप में हूँ और यहाँ हमारे साथ शंकर पासवान जी बने हुए थे। इनका कहना है कि विकास के नाम पर ठेंगा हुआ है, कुछ ग्रामीण है बात कर लेंगे आखिर क्या कारण है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना।